उत्तराखंड के हल्द्वानी को जिस जिसने भी सुलगाने की साजिश रची थी, अब वो थामी पुलिस से बचकर भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस उनको कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। इसी कड़ी में उत्तराखंड पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस से बचकर भाग रहे हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे को आखिरकार पुलिस ने दबोच ही लिया। इसके अलावा पुलिस ने सपा नेता के भाई को भी हल्द्वानी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। हिंसा के मामले में पुलिस ने 3 FIR दर्ज की हैं, साथ ही हिंसा की साजिश के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। CCTV और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही बनभूलपुरा में हुई हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुमाऊं आयुक्त को 15 दिनों में घटना की जांच रिपोर्ट देने को कहा है। बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसा और मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ ये हिंसा इलाके में भड़की थी, जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 200 से अधिक लोग जख्मी हुए। घायलों में आम लोगों के साथ ही पुलिसकर्मी, नगरपालिका के कर्मचारी और पत्रकार भी शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बनभूलपुरा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र से कर्फ्यू हटा दिया है। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज़ पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।